गुड मॉर्निंग, मैं हूँ योगेश कुमार अत्री और आज का हमारा 12th लेक्चर है। तो 12th लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में क्या था, तो आज हमने थोड़े से टॉपिक को कवर किया है। हमारे जो इसमें कंटेंट हमने और ऐड किए हैं, पहले हम सिर्फ आईटीआई के कोर्स के टॉपिक को कवर कर रहे थे, अब जो हम जीकेएसएसपी के पंचायती अकाउंट असिस्टेंट का भी सिलेबस इसमें कवर कर रहे हैं। तो चलिए हम अपने प्रीवियस लेक्चर की ओर चलते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कैश फ्लो क्या होता है, उसके बाद कैश फ्लो की एग्जांपल क्लियर की थी, उसके बाद फंड फ्लो अकाउंटिंग, उसके बाद आफ्टर हमने किया था कि टैली, मीनिंग ऑफ टैली, टैली का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस किसने किया था टैली को, और उसके बाद उसका फुल फॉर्म क्या थी टैली की। तो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में चलते हैं अपने 12th लेक्चर में। तो 12th लेक्चर में हम पहले एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं, और आई थिंक मैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी मोटिवेशन लाने वाला हूँ जिससे कि आपको और बेनिफिट अच्छे से मिल पाए। तो चलिए हम लेक्चर के मोटिवेशन से स्टार्ट करते हैं। शिक्षा दरवाजे खोलती है लेकिन आपको प्रवेश खुद करना होता है। तो शिक्षा हमेशा सही बात है कि शिक्षा दरवाजे खोलती है, पर प्रवेश आपको खुद करना, मींस कि आपको स्टडी खुद करना होगी। मींस जब तक आपको सब कुछ मिला हुआ भी मिले, मींस कि आपको पूरा मटेरियल मिले, हर एक चीज मिले, पर जब तक आप उस चीज को असेस नहीं करोगे, खुद से स्टडी नहीं करोगे, उसको वॉच नहीं करोगे, तब तक उस चीज का कोई मीनिंग नहीं रहता, उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि आपने जब तक उसको ग्रहण करने की कोशिश नहीं की, उसको लेने की कोशिश नहीं की, तो वो आपके लिए यूजलेस है तब तक। तो इसीलिए जब तक आप खुद अपना स्टेप उठाओगे नहीं, खुद से स्टडी करना शुरू नहीं करोगे, मींस वॉच करना नहीं, कि जब तक आप खुद से जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है उसको स्टडी करके और देखना स्टार्ट नहीं करोगे, तब तक आप उसका यूज नहीं ले पाओगे। तो चलिए हम अपने लेक्चर की ओर बढ़ते हैं कि व्हाई इट इज यूज टैली, टैली हम क्यों यूज करते हैं। टैली देन इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, तो कहने का मतलब कि जो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर है अकाउंटिंग, तो एक पैकेज है जिसमें हमें पास हर एक चीज़ मिलती है बिजनेस के अकॉर्डिंग, मीन रिकॉर्डिंग की जाती है, जो डे टू डे बिजनेस हमारे डाटा होता है कंपनी का, उसमें रिकॉर्ड किया जाता है डे टू डे जो भी डाटा आता है, हम जो भी एंट्री होती है ट्रांजेक्शन के रिलेटेड, अकाउंटिंग के रिलेटेड, तो हम सभी इस सॉफ्टवेयर में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, मीन उसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं थ्रू एंट्री से। तो ये क्या है, ईआरपी का मतलब होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ERP 9 हमारी जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी थी ITA के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अकाउंटिंग का जो ERP जो टॉप सॉफ्टवेयर है, तो वो अच्छा सॉफ्टवेयर है जिसमें काफी डेवलप्ड फीचर्स हैं, तो उसको यूज किया जाता है इसलिए। तो ERP 9 इज वन बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर दैट कैन इंटीग्रेट विद अदर बिजनेस एप्लीकेंट सच एज सेल, फाइनेंस, परचेजिंग, पेरोल, इन्वेंट्री। तो कहने का मतलब जो ERP 9 है, जो बेस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो इंटीग्रेट करता है, मीन्स एक जोड़ाता है विद अदर बिजनेस एप्लीकेशन, जो बिजनेस की जो काफी ज्यादा फीचर जो एप्लीकेबल होती हैं, जैसे सेल के रिलेटेड हो गया, फाइनेंशियल के रिलेटेड सब हो गया, परचेजिंग के रिलेटेड, पेरोल हो गया, सैलरी वगैरह जो बनाते हो, तो या इन्वेंट्री मीन्स जो स्टॉक की आइटम्स वगैरह हैं, पूरी उन चीजों को हैंडल करता है। तो ये हमारा इसका मतलब है टैली, हम इस पर्पज के टैली को यूज करते हैं। तो उसके बाद हु इज सीईओ ऑफ टैली, तो टैली का सीईओ कौन है, जॉनसन बोरेन जो इसके क्या है सीईओ है, वो फाउंडर भी है और सीईओ भी है टैली के, ठीक है। जो पहले थे वो इंट्रोड्यूसर थे कि उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, पर जो फाउंडर और जो इसके सीईओ हैं वो हमारे जॉनसन बोरेन है। तो इसके कहने का मतलब कि नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है व्हाट इज टीसीएस, TCS इन टैली, टैली के अंदर TCS होता क्या है, क्योंकि आप जब टैली प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो आपके पास अलग अलग टर्म्स आएंगी, इसलिए इन टर्म्स को आपको क्लियर करना पड़ेगा, जब तब जाके आप उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो TCS इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ द टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो मीन्स इसका मतलब है कि एक शॉर्ट फॉर्म है जो टैक्स कलेक्टेड करती है एट सोर्स, सोर्स में से जहाँ से हम सोर्स चल रहा हो, तो जहाँ से हम उसका एक सोर्स है टैक्स कलेक्ट करने का। तो इसका क्या मतलब है, दिस इज टैक्स कलेक्टेड बाय द सेलर फ्रॉम बायर ऑन द सर्टेन गुड्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 206C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो ये हमारे इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग ये क्या करती है, ये हमारे कलेक्ट करती है टैक्स किसके से, सेलर फॉर्म बायर, सेलर बायर से करता है किससे,
ऑन सर्टन गुड्स, गुड्स के रिलेटेड जो स्पेसिफाइड सेक्शन में किस में दिया है, 206 में, 6C के अंदर दिया है, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या है, इन टीसीएस द बायर विल पे टैक्स, टीसीएस में क्या होगा, बायर विल बी पे द टैक्स, देगा किसको, सेलर को, विल कलेक्ट एंड डिपॉजिट द टैक्स टू द गवर्नमेंट, फिर वो कलेक्ट करने का, फिर वो गवर्नमेंट पर डिपॉजिट करेगा। तो ये था हमारा टीसीएस। टीसीएस क्या होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, मीन्स एक सोर्स है जो टैक्स कलेक्ट करने का, जहां से हम उसको करते हैं। तो ये हमारे पास फीचर होगा टैली के अंदर। सॉरी, अब नेक्स्ट हमारे पास है टैली एडवांटेजेस क्या है, मीन्स मेरिट्स क्या है इसके, कि हमें क्या क्या उसमें टैली से हम हमें हेल्प मिलती है। तो टैली के एडवांटेजेस हैं हमारे पास डाटा रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी। तो डाटा रिलायबिलिटी में से डाटा हमारे पास इजी से हम उसको उसमें रिकॉर्ड जम कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, और उसकी सिक्योरिटी भी है, यानी कि उसको कोई भी आके यूजर्स को असेस कर सकता है, तो वो हम सिक्योर पॉइंट ऑफ व्यू से डाटा हमारा रहेगा। और इजी से हम उसको पेरोल मैनेजमेंट कर सकते हैं, मीन सैलरी वगैरह जो भी किसी चीज के रिलेटेड है, हम इजी से उसको पेरोल को उसकी हेल्प ले सकते हैं, कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। सिंपल टैक्स रिटर्न फिलिंग, तो उसमें हम सिंपल वे से टैक्स को रिटर्न फिलिंग भर सकते हैं थ्रू टैली से, इसकी जो है बेनिफिट है। असेस अक्रॉस द ग्लोबल, उसको असेस कर सकते हैं उसके पूरे अकॉर्डिंग टू इसके जो भी हमारे एंट्री की होंगी उन चीजों को। फिर रिमोट असेस टू डाटा, तो रिमोट हमारे हाथ में इसको कंट्रोल होगा कि हम इसको डाटा को असेस करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मीन्स की ये नहीं कि कोई भी यूजर्स को असेस कर पाए इजिली वे से, तो हमारे हाथ में इसका रिमोट होगा। तो उसके बेस कहा जाए, रिमोट मीन्स की कंट्रोल होगा आपके पास। द स्मार्ट वे फॉर बजटिंग मटेरियल, तो एक ऐसा वे है जिसे एक अच्छे वे से और शॉर्ट वे से, कि जिससे हम जो बजट को मेंटेन करना हो तो इजी वे से कर सकते हैं, और अच्छे वे से, अच्छी क्वालिटी वे से। और इसमें क्या है, एडिट टूल फॉर द कम्प्लेन्स, मीन्स एडिट कर सकते हैं हम जो भी हमारे पास कंप्लेन्स के रिलेटेड टूल्स हों उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर सपोर्ट करता है मल्टीपल लैंग्वेज, इसमें हमारे पास काफी ज्यादा लैंग्वेज भी यूज की जाते हैं इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने, मीन्स कि ये नहीं कि पर्टिकुलर इंग्लिश में ही मिलेगा तो इंग्लिश वे से ही आप उसको ऑपरेट कर पाओगे, तो अलग अलग जो लैंग्वेज नोइंग है पर्सन है, तो उसके वे पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसमें फैसिलिटी मिलेगी, फीचर्स मिलेंगे कि आप उस लैंग्वेज में भी इसको खुद वैसे इजी से समझ के भी उसको परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास क्या है, व्हाट आर द यूज ऑफ द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तो यूज क्या है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के, तो वेरियस अकाउंटिंग यूज सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर के यूज हैं, जैसे कि जीएसटी रिटर्न फिलिंग, हम उसमें जीएसटी रिटर्न भर सकते, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हम इससे भर सकते हैं, उसकी रिटर्न भर सकते हैं। उसके बाद अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में हमारे पास परचेज आ सकता है, सेल हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, जर्नल एंट्री, तो जो हम पहले भी ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं और स्टडी भी कर चुके हैं। उसके बाद पेरोल मैनेजमेंट, तो ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज डिटेल्स वगैरह, तो वो हम इसमें कर सकते हैं। फिर आ गया बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, तो बैंक के रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है कि हमारा कैश कैश बुक और जो हमारी पासबुक है उसमें क्या होगा, जो हमारी एंट्री है वो मैच नहीं कर रही है, मीन्स हम किसी डेट को क्या कर रहे हैं, हमने बैलेंस वहां से निकाला तो वो बैलेंस हमारी जो एंट्री जो है वो हमारी वहां पे इंटर नहीं हुई है, तो उस कारण जो भी दोनों एंट्री है वो हमारी मैच नहीं हो रही है, उस कारण हम क्या कर सकते हैं, तो उस चीज को हम डिटेक्ट मीन्स उसको कॉपी करने, मैच करने के लिए हम क्या कर रहे थे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, जिस कारण बैंक क्या होता है, जो भी हमारा जो डाटा है मिस मैच हो रहा है किस कारण, उस चीज को हम ढूंढ पाते हैं उस एरर को, कि कहाँ पे फॉल्ट आया, किस कारण एंट्री नहीं हो पाई, तो वो होता है। तो उसमें क्या आता है, हमारे पास उसमें कॉज होने की कंडीशन ये हो सकती है, या चेक इश्यू हो हुआ हो बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो हम उसको पेमेंट नहीं की हो, उसमें चेक तो इश्यू कर दिया है पर उसमें क्या होगा, हमारी पेमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं हो, उस कंडीशन में कॉज आ सकता है। या फिर चेक डिपॉजिट होगा बट नॉट क्रेडिट, हमें चेक को डिपॉजिट कर दिया पर उसमें क्रेडिट नहीं आया है, उस कंडीशन में हो सकता है डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर टू बैंक, तो जहाँ डायरेक्ट पेमेंट किया है कस्टमर ने बैंक को, उस कंडीशन में कोई फॉल्ट एरर आ गया हो। फिर जहाँ क्या हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिट बाय बैंकर, तो हमने कहीं इंटरेस्ट दिया जो क्रेडिट बाय बैंकर के थ्रू, उस कंडीशन में फॉल्ट आ सकता है। या फिर क्या हो सकता है, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट जब कलेक्टेड बाय बैंक हो सकता है, उस कारण भी हमारे में उसमें एरर कॉजेज आ सकते हैं, कि जिस कारण कैश और कैश बुक और पासबुक में मैच नहीं हो रहा हो। फिर उसमें अनदर कंडीशन भी आ सकती है कि पेमेंट मेड हमने बनाई हो बैंक ने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन बाय कस्टमर, पर उसकी स्टैंड रखी हो इंस्ट्रक्शन की कस्टमर की इंस्ट्रक्शन का, तो फिर क्या हो सकता है, जहाँ किसी कंडीशन में ये भी हो सकता है बैंक चार्ज डिपॉजिट इन द पासबुक,
तो हमने क्या है बैंक चार्जेस जो डिपॉजिट किए हैं पासबुक में, इन द पासबुक में, पर वहाँ पे इंटर नहीं हुए हैं हमारे पास कैश बुक में, तो या फिर हमने क्या है बिल्स में डिस्काउंट दिया हुआ बट डिसहोनर्ड वो कहीं इस कारण रहा गया कि वो उसमें इंटर नहीं हो पाया हो। तो काफी सी जो रीजन है, कहने का मतलब है कि जब चेक फेल होगा डिपॉजिट टाइम, तो बड़ी सी रीजन जो होंगी उस कारण जो हमारा क्या हो सकता है एंट्री में प्रॉब्लम होगी, तो एंट्री ना होने के कारण जो हमारे मिसमैच होगा, तो उस स्टेज में हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जनरेट करते हैं, जिस कारण हम कह सकते हैं। ये तो जनरल टर्म बोला था रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो पर अगर इस कहने का मतलब है कि जो हमारे अकाउंटिंग के अंदर जो ऑप्शन है तो वो क्या कह रहा है कि हम किसी भी चीज में अगर वो फॉल्ट हो गया, मिसमैच हो रही है चीजें, तो हम उसको रिकंसिलिएशन कर सकते हैं, जिससे हम दोबारा उसको चेक कर सकते हैं, कोई एरर है, फॉल्ट है, फ्रॉड है, उस चीज को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, जिस कारण वो चीजें हमारी फेस हमें ना करना पड़े, तो ये हम उसमें कर सकते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये थी। उसके बाद समरी रिपोर्ट सच एज बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस एक्सेट्रा, तो हम इसमें समरी रिपोर्ट भी निकाल सकते हैं मेरी डेट में जो उसकी डिटेल में कि कौन कौन सी चीजें बैलेंस की रिलेटेड हम निकाल सकते हैं, उसकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, जहाँ बैलेंस शीट की, जहाँ प्रॉफिट की, तो लॉस की भी जनरेट कर सकते हैं। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट पहले भी हम पढ़ चुके हैं, इन्वेंट्री होता क्या है, तो इन्वेंट्री वो होती है इसमें हम स्टॉक के रिलेटेड पूरी भी जितनी आइटम्स में से उसका रिलेटेड रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल पोजिशन तक जो भी प्रोसेस करते हैं, उस चीज को मैनेज भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं, किसे, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की हेल्प से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, तो आई होप मैं इसमें कोशिश कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट आपको परफॉर्मेंस दे पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डाटा आपको प्रोवाइड करूँ और अच्छी क्वालिटी में और इजी लैंग्वेज में प्रोवाइड कर पाऊँ, पर आपके जो रिस्पॉन्स हैं वो भी आपको अच्छे से देना पड़ेगा, तब जाके मैं भी इसमें जो है मॉडिफिकेशन अच्छे से अच्छे ला पाऊँ और अच्छे से अच्छे जो इसमें क्वालिटी ला पाऊँ और डाटा भी अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊँ। तो आपको हमेशा अपने जो भी फॉल्ट आ रहे हैं, मीन्स जो भी प्रॉब्लम आ रही है किसी जगह भी, आपको कोई है किसी कंसेप्ट में समझ नहीं आ पा रही अच्छे से, तो प्लीज़ कमेंट करें जहाँ पे जिस भी पॉइंट्स और जिस भी टॉपिक में, तो मैं उसमें आपको दोबारा से उसे अच्छे से हेल्प कर पाऊँ। तो इसीलिए कोशिश करें कि कमेंट करें, कमेंट में मुझे पूरा डाउट बताएं। तो थैंक यू सो मच।